सीरिया में अभी भी लड़ाई कितने बड़े पैमाने पर चल रही है तस्वीरें बताने के लिए काफी है। सीरियाई सैनिक जहां इदलीब प्रांत में विरोधियों के सफाई के लिए लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं विरोधी भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। विरोधियों और सीरियाई सरकार के बीच इस लड़ाई में रूस भी पूरी तरह से शामिल हो गया है। सीरियाई फौज के साथ मिलकर रूस लगातार विद्रोहियों के ठिकाने पर बमबारी कर रहा है। सीरियाई फौज और विद्रोही जहां एक दूसरे से निपटने में जुटे हुए हैं, वहीं आम लोग इस लड़ाई में पूरी तरह से पिस रहे हैं। हालात इतने खराब है कि 1,20,000 से ज्यादा लोग पिछले एक महीने में ही अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं। सीरिया में लड़ाई कितने बड़े पैमाने पर हो रही है इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि महज 3 दिन में ही इदलीब प्रांत में 200 से ज्यादा हवाई हमले हुए हैं। इन हमलों में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं जबकि सैकड़ों घर जमींदोज हो गए हैं। दरअसल सीरिया के इदलीब प्रांत के ज्यादातर इलाकों में अब भी विद्रोहियों का कब्जा है। सीरियाई सरकार रूस के साथ मिलकर इन इलाकों में विद्रोहियों की सफाई में जुटी है ताकि फिर से इदलीब पर कब्जा किया जा सके। रूस जहां लगातार इदलीब में हवाई हमले कर रहा है, वहीं सीरियाई सैनिक जमीन पर विद्रोहियों के सफाई में जुटे हैं। सीरियाई सेना ने इदलीब प्रांत के दूसरे सबसे बड़े शहर मरात उल नुमान पर कब्जा भी कर लिया है,